नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज। 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आज आपको पाकिस्तान के प्लान खालिस्तान के बारे में बताना चाहता हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दोहरे चरित्र के बारे में भी बताना चाहता हूं। एक तरफ पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान दिवस का आयोजन नहीं कर पा रहा है। कल मैंने आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए पाकिस्तान का हाल दिखाया था, कैसे पाकिस्तान डे के दिन छोटे मोटे कार्यक्रम से पाकिस्तान ने काम चलाया। पाकिस्तान के पास पंजाब प्रांत का चुनाव करवाने का लिए पैसे नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का चुनाव 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। हैरानी होती है कि ऐसे हालात में भी पाकिस्तान लगातार कैसे अपने प्लान खालिस्तान पर काम कर रहा है। ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की फितरत समस्या पर है। बार बार हिंदुस्तान से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी खुराफात से बाज नहीं आ रही। ताजा खुलासा अमृतपाल को लेकर सामने आया है। अमृतपाल का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ कनेक्शन सामने आ चुका है। पाकिस्तान की सेना के पास परेड के लिए पैसे नहीं है। पाकिस्तान की सेना अमृतपाल की ट्रेनिंग का खर्चा करती रही है। ISI ने दुबई में ऑपरेशन अमृतपाल पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और सबको यह पता चल गया है। खालिस्तान की साजिश का अमृतपाल प्लान, अमृतपाल अध्याय दुबई में रचा गया। कैसे पाकिस्तान के नापाक इरादों का कच्चा चिट्ठा सामने आया है। अमृतपाल पर हो रहे खुलासे से कैसे पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, यह भी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। खुफिया जानकारियों के आधार पर यह पता चल गया है